इस बंदे ने आते साथ क्या बोला होगा, आते साथ इस बंदे ने मुझे क्या बोला होगा। बहुत प्यारा बच्चा है, क्या होता है प्यारा बच्ची, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। रेड लॉरी येलो लॉरी रेड लॉरी, एक ही नहीं कर पाई, एक ही नहीं कर पाई। अभी यू वर बेटर देन मम्मी। हेलो, तो कैसे हैं सब लोग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं कुछ 4:12 शाम के और मैं जा रही हूँ बीर को स्कूल पिक करने। तो थर्सडे का दिन, अगेन बिजी बिजी डे, टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का। तो लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं व्लॉग शूट ना करूं। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिला है और जैसे मैं गाड़ी में आकर बैठी हूँ, मैंने अपना कैमरा करा ऑन और आपसे कर दी है बातें शुरू। सामने वाले भैया अपनी गाड़ी को राइट पे ले ही नहीं रहे हैं। एनीवेज कोई बात, तो चलते हैं अबीर के स्कूल, क्योंकि अबीर कर रहा होगा मेरा इंतजार और फिर मैं आपको मिलती हूँ अबीर के साथ। हे गाइस, सो अबीर इज हियर, ही इज बैक फ्रॉम स्कूल। गाइस दिस इज वे टू सनी, I don't want it to be that much sun. I want it to be warm, but not that warm. Cold and hot. Seriously, guys, आज बहुत तेज धूप निकली हुई है और सूरज देवता तो सीधा मेरे मुंह पर आ रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि धूप कभी कभी निकलती है इस देश में। और आज टेम्परेचर भी है 18 degrees, गर्मी है। मैंने गाड़ी का एसी ऑन कर रखा है, तो चले अभी फिलहाल घर चले बेबी। सौरभ गया हुआ है साउथहैम्पटन, मैं उसको फोन कर रही हूँ कि अगर वो ऑन द वे है तो हम उसको पिक कर लेंगे ट्रेन स्टेशन से, बट ही इज नॉट पिकिंग अप माई फोन। तो चलते हैं घर चलते हैं फिलहाल, ठीक है ना। चलो घर चले, अपने जूस का ध्यान रखना, जूस मत गिराना, ठीक है। तो बस मैं और अबीर घर आ गए हैं, मैंने आते साथ ही सारी लॉन्ड्री सॉर्ट आउट करनी शुरू कर दी है। तो मैं कर रही हूँ लॉन्ड्री, अबीर ऊपर शावर ले रहा है, उसको रेडी करके फिर हम जाएंगे सौरभ को लेने, क्योंकि सौरभ पहुंच रहा है ट्रेन स्टेशन पे कुछ 6 बजे। हम बैठ गए गाड़ी में और हम जा रहे हैं सौरभ को लेने। अभी सूरी सीट बेल्ट बांधो बेटा। तो बस जाते हैं सौरभ को लेने, उसकी वजह से ट्रेन 10 मिनट लेट है, लेकिन हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन, लेकिन सौरभ की ट्रेन अभी आई नहीं है। Let's go inside. You wanna go inside? Okay, this car is moving, then we will go. तो ये है बिस्टर पार्कवे स्टेशन और स्टेशन पे ना इन्होंने ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स बना रखे हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ इस वाली आयल के फ्री होने का। तो जैसे ही ये वाली आयल फ्री होगी, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दूंगी और 20 मिनट्स के लिए हम स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। 20 मिनट्स में हमें वापस आना है। तो हमने गाड़ी अभी पार्क ही करी है और सौरभ सूरी जी आ चुके हैं, बोले तो आ रहे हैं। अंदर एक बंदा पागल हो चुका है अपने बाप को देख कर। देखो ये खिड़की से छलांग मार देंगे। We were gonna go inside. Oh my goodness, Starbucks. कहाँ से मिला तेरे को? खरीदा मैंने। चलो, Starbucks कहाँ था तेरे रास्ते में? इसे comment में बता दो जो लोग ये वाला सीन देख रहे हो। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट बाद बता ही दूंगी, इस बंदे ने आते साथ क्या बोला होगा, आते साथ इस बंदे ने मुझे क्या बोला होगा। जो लोग ये वाला सीन देख रहे हैं फटाफट से comment में लिख दो क्या बोला होगा। कह रहा मैं गाड़ी चला लूं, सुबह से मैं गाड़ियां चला चला के कभी किसी को छोड़ती हूं, कभी किसी को पिक करती हूं, कभी अपने काम पर जाती हूं, यही कर रही हूं। तब नहीं इनको पता होता कि गाड़ी कौन चला रहा है। अब खुद आए हैं तो कह रहे हैं गाड़ी मैं चला लूं। हेलो एवरीवन, कब तुम लड़के लोग विश्वास करोगे कि एक नारी अच्छी गाड़ी विश्वास करते हैं भाई पूरा। तो फिर क्यों बोला कि मैं गाड़ी चला लूं? वैसे ही मतलब मन हो रहा था, मन बहुत हो रहा है तुम्हारा आजकल। तो हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। पहुंचना, ये मेरी कॉपी कर रहा है आज। नहीं कॉपी, सूरी साहब आ गए हैं। सूरी साहब आ गए हैं, सूरी साहब हमें लेकर आए हैं डिनर पर। लेकिन आज डिनर हम सब बहुत प्यारे हैं,
आप तो बहुत प्यार है। अबीर एक शरारती बच्चा है। हम लोग आ गए अपने प्यारे मॉल में। इस मॉल को तो आप, मुझे लगा है मुझसे ज़्यादा आप लोग भी समझ गए होंगे क्रिप्स कॉजवे को। तो हम आ गए हैं क्रिप्स में और जा रहे हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट एक ही जगह। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो आ गए हम घर वापस वागा मामा से। मैं इतनी थक गई हूँ ना, दो दिन से ना बहुत रेस्ट नहीं हो पा रहा है ना सूरी। चौका मारता ना, इसने कोई तकिया नहीं उठा रखा था, अभी अभी इसने तकिया उठा लिया है। ये हाथ में ऐसे आ गया मेरे। भाई बहुत चालू है। हाँ जाऊंगी, आई क्या जाऊंगी। इनकी सुन लो, कैन आई सिंग यू एन एन्कैंटेड सॉन्ग? गा दो भाई, गा दो। क्रिशला के टिक टिक ओ पॉप ओ ओ क्रिशला के टिक टिक ओ ओ ओ Listen to your sister's older. There are things that we can show to. Who am I if I can't be? Cushion like a tick tick tick. Oh pop. अच्छा अगर सबको नींद नहीं आ रही तो मेरे पास एक आइडिया है। बेटा बेटा हो गया, बेटा हो गया, समझ गया। टंग ट्विस्टर। हाँ तो मेरे पास एक आइडिया है, चलो टंग ट्विस्टर करते हैं। Are you interesting in tongue twisting? We actually have it. We had a comment. पीछे वाले बंदे से पूछ रहे हैं। We had a comment. तो हमें कमेंट आया था कि आप प्लीज टंग ट्विस्टर करें आपस में। ऊपर आओ ना यहाँ पे। आमिन मिल यो। बहुत प्यारा बच्चा है, मैं क्या बताऊँ। बहुत प्यारा बच्ची। छोड़ मुझे। सो मुझे। चलो टंग तो रेडी हो, मैं सेटअप करती हूँ सब कुछ और एक कंपटीशन होने जा रहा है टंग ट्विस्टर। आई विल वॉच इट। यार टांगे सीधी करने दो, मैं अपने पैरों से तेरे पैरों के नीचे रख लूँ। वो रनिंग वनिंग करती हूँ, I'm a runner। हाँ क्या है भाई, जल्दी बोल। रेड येलो रेड येलो रेड येलो। एक मिनट टंग ट्विस्टर दे रहे हो, क्या कर रहे हो? रेड येलो रेड येलो रेड येलो। सौरभ हमें तुम्हारे टंग ट्विस्टर समझ नहीं आ रहा है। रेड हाँ कलर येलो। ओके रेड येलो रेड येलो रेड येलो। ओके नाउ आई अंडरस्टूड। यू विल बी फास्ट। ओके बोलो। Red, yellow, red, yellow. Red lorry, yellow lorry, 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 red lorry, एक भी नहीं कर पाए अभी। you were better than mummy. Yeah, I lost a beer. Oh my god. I am the winner, but that's not fair, guys. अरे मेरी बच्ची, मेरे पास आ, मेरे पास तो है, डैडी के पास आ। मम्मी कैसे बनाएंगे? मम्मी don't put this video, okay? Sorry guys. इससे पहले कुछ हुआ था, रोना धोना मुझे मना कर दिया गया वो वीडियो डालने से। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता आ जाएगी। कच्चा पपीता। तो मैं कहने जा रही हूँ सौरभ को चैलेंज, पीतल के पतीले में पपीता पीला। क्या बात है, क्या बात है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
यू लॉस्ट इट. पीतल के पपीतीले में, पतीले के पतीले में पतीला पतीला. एक्सक्यूज मी, नाउ यू हैव लॉस्ट इट. ओके, पीतल पपीते के पपीले में नहीं, पीतल के पपीते में नहीं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला. नहीं नहीं, क्या हो रहा है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला. पतीला पतीले पीला 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 पीला. You did too. I don't know any. अबीर को देते हैं. My mummy makes me muffins on Mondays. My mummy makes me muffins on Monday. My mummy makes me muffins on Monday. My mummy makes. You have to be fast. My mummy makes me muffins on Monday. Well done. Muffins on Monday. तो फाइनली अभी सो चुका है. बहुत मज़ा आया वो टंग ट्विस्टर वाली गेम खेलने में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज पे आकर हमें पता लगा कि हमारा कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है. तो जितना हम रिकॉर्ड कर पाए हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया. बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको थोड़े और अच्छे तरीके से प्लान करेंगे. एनीवेज तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग की एंडिंग ना मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से करूँगी. तो मैं आपको कुछ बताकर आज ब्लॉग की एंडिंग करूँगी. मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं YouTube पर. आप लोगों को मेरे लिप शेड्स बहुत पसंद आ रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच पहले तो उसके लिए. और मैं आजकल बहुत न्यूड शेड्स यूज़ कर रही हूँ. तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा शेड है, कौन सी लिपस्टिक है, कहाँ से ली. तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग की एंडिंग मैं आपको अपने सारे फेवरेट लिप शेड्स बताते हुए करूँगी. तो मैं आपको अपने सारे न्यूड शेड्स दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में कल तो आएगा Q&A व्लॉग, और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई अप्लाई दीज शेड्स. तो मैं कैसे मिक्स करती हूँ, कैसे उनको अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ. तो अगर आपकी हेल्प हो जाएगी देन वाई नॉट, यू नो. अगर आप लोग भी कुछ उससे कुछ नया सीख लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो बस ये सोच के मैं आपको ये अपने लिप शेड्स के बारे में बता रही हूँ. और मैं जितने भी लिप शेड्स के बारे में अभी बात करूँगी उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो प्रोडक्ट डिटेल्स को. और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है. ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यू गाइस रियली रियली अप्रिशिएटेड व्हेन एवर आई अप्लाई दीज लिप शेड्स. तो चलो शुरू करते हैं फिर. लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब भी मेकअप की बात आती है या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात आती है ना, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली आपकी स्किन पर अप्लाई होंगे. और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदो, महंगे वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदो. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी आप लो आप उसका रिव्यू पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब आप अपनी स्किन पर अप्लाई करो आपको किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना हो और यू नो किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम ना हो आपको. तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ. तो मेरा जो एक बहुत ही फेवरेट ब्रांड है और बहुत और मुझे लगता है कि बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है वो है निक्स. तो मैं निक्स के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करती हूँ. तो आप देख सकते हो मेरी कलेक्शन के अंदर भी अभी 4 लिप शेड्स हैं जो निक्स के हैं. और मैं मोस्टली लिक्विड मैट लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ. तो बात करते हैं पहले शेड की. तो ये शेड है निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. आप देख सकते हो, प्लीज़ एक्सक्यूज माई नेल्स, मेरे नेल्स नहीं हो रखे हैं और बहुत गंदे दिख रहे हैं, आई नो इट. तो मैं बात कर रही थी निक्स की इस लिक्विड लिपस्टिक की. तो इन लिक्विड लिपस्टिक्स को बोलते हैं सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. बहुत सॉफ्ट होती हैं लगाने में और मैट इफ़ेक्ट देती हैं जब आप एक बार अप्लाई कर लेते हो अपने लिप्स पे. तो ये वाला जो शेड है ये है SMLC सॉफ्ट मैट लिपस्टिक क्रीम 02 और इसका नाम है स्टॉकहोम. सो आई होप कि मेरा कैमरा इसको फोकस कर रहा हो. ये एक बड़ा ही प्यारा शेड है, एकदम नेचुरल लुक देता है आपको. तो एक मैं यूज़ करती हूँ निक्स का ये वाला शेड. दूसरा शेड मैं यूज़ करती हूँ, तो दूसरा शेड जो मैं निक्स का यूज़ करती हूँ वो है SMLC सॉफ्ट मैट लिपस्टिक क्रीम 04 लंदन. इसका ना स्टिकर उतर गया है लेकिन ये शेड है लंदन. आई होप कि मेरा कैमरा इसको भी फोकस करे. तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों शेड्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है.
दोनों बहुत ही सिमिलर शेड्स हैं, लेकिन जब आप लिप्स पर अप्लाई करते हो दोनों बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट देते हैं लिप्स को। तो ये दो शेड्स लंदन और स्टॉकहोम आई थिंक जरूर होने चाहिए आपकी मेकअप किट में, क्योंकि आप इन शेड्स को मिक्स कर सकते हो डार्कर शेड्स के साथ उनको थोड़ा लाइट करने के लिए। कई बार हमारे पास डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक होती है या फिर डार्क रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक होती है, तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए आप ऐसे शेड्स उसमें मिक्स कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये शेड्स हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ये है NYX का थर्ड शेड, और ये है, ये क्रीम लिपस्टिक है, ये है लिक्विड फॉर्म में ही, अगर आप देखो तो ये ऐसे आती है। ये है तो लिक्विड लिपस्टिक ही, ये भी ब्रश के साथ ही आती है, बट ये थोड़ी ज़्यादा क्रीमी होती है। और ये शेड भी बहुत प्यारा शेड है, कई बार मैं इस शेड को जो मैंने आपको बाकी दो शेड सिखाए हैं उनके साथ भी मिक्स करके लगाती हूँ। तो इस शेड की डिटेल्स हैं, इसका नंबर है 04 और नाम है सॉफ्ट स्पोकन, और इस लिपस्टिक को बोलते हैं क्रीम लिपस्टिक। तो आप देख सकते हो, आई होप कि आप कोड देख पा रहे हो, और यहाँ पर इस लिपस्टिक का नाम लिखा हुआ है। सो दिस इज सॉफ्ट स्पोकन फ्रॉम NYX। अगर आप यूके में रहते हैं तो आप बूट्स पे जाओगे, बूट्स में NYX के बहुत बड़े बड़े काउंटर्स होते हैं, आपको ये तीनों शेड्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं आपको तीनों शेड्स वहाँ से बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आप Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हो, और मैंने जैसा कि कहा मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो थे NYX के तीन मेरे बहुत ही फेवरेट शेड्स, और जो नेक्स्ट शेड है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो है MAC का लेडी बी गुड। मैंने इसके बारे में बहुत बार बात करी है अपने व्लॉग्स के अंदर, या फिर मैंने आपको DM पे रिप्लाई भी करा होगा कि ये MAC का लेडी बी गुड है, मैं इसको बहुत अप्लाई करती हूँ। सो अगेन इस वाले शेड को मैं कई बार NYX के शेड्स के साथ भी मिक्स कर लेती हूँ, तो मैं इसके अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। और ये शेड कुछ ऐसा दिखता है MAC का, ऑलरेडी ये ब्रश के साथ ही आता है, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है गाइस, सीरियसली। तो नॉर्मल लिपस्टिक से लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, और लिप्स की शेप बनाने में भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले ब्लॉग में। तो ये थे मेरे चार फेवरेट शेड्स, आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। आपको इसकी जो भी डिटेल्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है ही, और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से चार शेड्स हैं, आप इनको कैसे खरीद सकते हो। और बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। कल का व्लॉग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारा Q&A व्लॉग। तो कल का हमारा जो व्लॉग है वो 8:45 पे 8:45 PM पर इंडिया टाइमिंग से रिलीज हो जाएगा, और UK में वो 3:15 पर YouTube पे रिलीज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा हमारा Q&A व्लॉग। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं उसके बारे में भी मैंने उस ब्लॉग के अंदर बात करी है, तो मेरा आंसर आपको उस ब्लॉग में मिलेगा। और बस मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप subscribing to our channel if you are new to our channel. ठीक है, तो चलते हैं, bye, good night. बहुत रात हो चुकी है, मैं भी जाकर सोती हूँ, और आपसे मिलूंगी अपने Q&A व्लॉग में। bye.